देखने जैसी है पत्थर के सर वाले। मैं डायमंड हेड हूँ, तुम मेरी बात करते हो? कभी अपना नया रूप आईने में देखा है? मुझे शैतान बनाने के लिए मैं तुमसे बदला लूंगा। तुम पहले से ही शैतान थे केविन, अब बाहर से भी बदसूरत बन गए हो। जितनी चाहो इंसल्ट कर लो, मैं अब भी तुमसे 10 गुना बेहतर हूँ। मेरे पास तुम्हारी सारी शक्तियाँ हैं और मेरी भी। मैं हूँ केविन 11। अफसोस, उनमें से हर एक की ताकत सिर्फ मेरे 10वें हिस्से जितनी है। ग्वेन सही कहती है, ये चीज बहुत गंदी है। क्या हुआ? मैं कहाँ हूँ? पेश है हमारा नया चैलेंजर प्लैनेट अर्थ से। चैलेंजर? जरा आराम से, तुम नाराज लगते हो। चखाना ही होगा। इस वाले में जोश है। तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? तुम जैसे कीड़ों को मैं यूं मसल देता हूं। तुम्हें और थोड़ा चाहिए? उससे वाला ताकतवर, बेरहम, एक असली ग्लैडिएटर की तरह। देखो मेरे दोस्त, मैं लड़ना नहीं चाहता। एक इंसान? अकलमंद और भीड़ का दिल जीतने वाला, मुझे इन दोनों से बहुत फायदा होगा। तुम यहाँ? आखिर तुमने मुझे इस अजीब सी जगह क्यों भेजा? इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। तुमने नहीं किया तो फिर किसने? बहुत हुआ, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाथ हटाओ। हम कहाँ हैं? मैंने पूछा ही क्यों, हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना ही होगा। अब यही तुम्हारा घर है, भागना नामुमकिन है। हम सबको हमारी दुनियाओं से छीन कर लाया गया है। हमें इस गैलेक्सी के मजे के लिए जान हथेली पर रख के लड़ना पड़ता है। ये सब तुम्हारी गलती है। इसमें भला मेरी क्या गलती है? पता नहीं, बस गलती है। लंच टाइम।
ओह गॉश, इसे देखकर तो जैसे मेरी भूख ही मर गई। टेक्नोर्ग अपना हिस्सा मांग ले, इससे पहले खा लो। टेक्नोर्ग कौन है? यहाँ का चैंपियन। अकलमंदी इसी में है कि उसकी इज्जत करो। वाओ, इतनी बेइज्जती, तुम इसकी ये बदतमीजी बर्दाश्त कर लोगे? देखो मैं तुम्हारी बस बहुत हुआ। तुम लड़ना चाहते हो तो अपनी साइज वाले किसी से लड़कर देखो। ये इंसान मुझे हैरान कर रहे हैं, उन्हें मेरे पास ले आ। मैं हूँ स्लिक स्वीट मॉन्ग, यह मेगा क्रूजर। इस जहाज की हर चीज मेरी है और तुम भी। मेरा कोई मालिक नहीं है स्लिक बदमाश। मैं बोलूंगा, तुम सुनोगे। ये आंखें इस जहाज की हर चीज देखती हैं और ये हाथ इस जहाज की हर चीज कंट्रोल करते हैं। और मैंने तय किया है कि तुम्हारी ये रिश्तेदारी तुम्हें फाइटिंग रिंग में एक दिलचस्प जोड़ी बनाएगी। जोड़ी? नहीं, मैं इस लूजर से चिपका नहीं रह सकता। तुमने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली नमूने। अब तुम्हारी किस्मत जुड़ गई है। अगर तुम में से एक मर गया तो इन जंजीरों की वजह से दूसरा भी मरेगा। तुम्हारा अगला अपोनेंट इंतजार कर रहा है। यहाँ सिर्फ एक ही चैंपियन रह सकता है, वो हूँ मैं। अब चुप भी रहो कैप, अब ये हम दोनों की प्रॉब्लम है। अब ये छुटकू राम मुझे और मुश्किल में डालेगा, पर ज्यादा देर के लिए नहीं। याद है उसने कहा था अब हमारी किस्मत जुड़ गई है? ये बस दो मिनट पहले की बात है। तुम्हें दर्द हुआ? हे, ये तुमने जानबूझकर किया। बिल्कुल। टेक्नोर्ग को कोई बू नहीं करेगा, टेक्नोर्ग के चैंपियन है। उसका ध्यान भटा हुआ हो, हमें उसे दूरी बना लेनी चाहिए। तुम मेरे बॉस नहीं हो, समझे? हे, अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें मिलकर काम करना होगा। मैं क्यों तुम्हारे साथ काम करूंगा? तुम बेकार हो। इस बेवकूफ को मैं अकेले संभालूंगा। तुम कुछ कह रहे थे? मैं समझ गया। स्टिंग फ्लाई के लिक्विड और हीट ब्लास्ट के फायरबॉल्स को मिक्स करो। किस लिए? करो तो सही, पता चल जाएगा।
अगर तुमने अपने पावर्स कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल किया तो तुम्हारी ताकत बहुत बढ़ेगी। मिसाल के लिए एक्सेलरेट की स्पीड प्लस फोर आर्म्स की ताकत प्लस डायमंड हेड की मजबूती इक्वल्स एक भारी भरकम घूसा। मैं हूँ विनर। तुम कितने घटिया हो। अब उसे खत्म करो। जरूर। केविन नहीं। बहुत हुआ, अब लड़ाई का वक्त है। फिर से रुको। कितनी नई बात है। एक गैलेक्टिक हाइपर जंप की तैयारी करो। मुझे कुछ नए ग्लैडिएटर्स चाहिए जो हमारे चैंपियंस के काबिल हों। अच्छा है, अब हमें कम से कम यहाँ तो इज्जत मिलेगी। उसे जिंदा रखने के लिए थैंक्स बुद्धूराम। तुमने मुझे हराया, फिर मेरी जान बचाई, अब तुम मेरे मालिक हो। दरअसल वो मेरा आइडिया था। मुझे तुम्हारा मालिक नहीं बनना है, मैं बस पृथ्वी पर लौटना चाहता हूँ। अगर तुम अपना पट्टा खोलकर भाग भी गए तो भी ये जहाज जल्द ही एक नई गैलेक्सी में जाएगा। पर उन गार्ड्स के कॉलर कंट्रोल तक पहुंचने का कोई तरीका जरूर होगा। हम सब ने कोशिश की पर हम उन्हें ओवरटेक नहीं कर सके। शायद अकेले नहीं, पर अगर हम सब मिलकर काम करें तो। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे इस जहाज से उतरना है। रोको उसे, वो बेकाबू हो गया है। शॉक कॉलर्स बेकार हो गए। चाहिए बस एक शॉर्ट सर्किट और ये छोटू ग्रे मैटर। इतनी डिंगे मत मारो छोटे मियाँ, ये काम तो एक बंदर भी कर सकता था। तो किया क्यों नहीं तुमने? अभी अभी तो मजा आने लगा था। सही नहीं है, मैंने कहा था ये हाथ इस जहाज की हर चीज कंट्रोल करते हैं, उन्हें भी, और उन्हें अपने दुश्मनों को खत्म करने में कोई एतराज नहीं है, ना कि तुम्हारी तरह। मैंने कहा था ये आंखें सब कुछ देखती हैं और अब सब लोग देखेंगे, मगर शुरुआत में तुम लोग नहीं मरोगे, ये मरेंगे। अगर हमें हारना ही है तो क्यों ना हम लड़कर हारे। कमाल की
मुझसे गले लगोगे तो पिचक जाओगे। तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। ये शो का हिस्सा नहीं है। मेरा हुक्म है कि तुम रुको रुको रुको। एक मिनट, समझ गया। केविन रुको। क्या? मैंने कहा रुको। ये तुमने कैसे? ये सिर्फ कंट्रोल कंसोल ऑपरेट नहीं करता, ये खुद कंट्रोल कंसोल है और अब मैं इस जहाज की हर चीज कंट्रोल करता हूँ। वेल, तुम्हारे लिए अच्छा है, बस मुझे तुमसे छुटकारा मिल गया है, यही काफी है। इंटरगैलेक्टिक हाइपर जंप लॉन्च हो रहा है। वो ये मैंने नहीं किया और मैं इसे रोक भी नहीं पा रहा। तुम्हारा मुझ पर उतना कंट्रोल नहीं है जितना तुमने सोचा था। जल्दी, हमें एस्केप पॉड तक पहुंचना होगा वरना हम दूसरी गैलेक्सी में पहुंच जाएंगे। मदद का एक हाथ बढ़ाऊं या छह? लेकर अपने प्लैनेट्स में वापस लौट जाओ। और तुम भी? नहीं, मेरी जिंदगी तुम्हारी है और मैं उसे वापस दे रहा हूँ। अब जाओ। ओह नो, ये भी अभी होना था। नन्हे बेकार इंसान, स्लिक्स विद्वान को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई नहीं। केविन, तुमने मेरी जान बचाई? बिल्कुल, आखिर इन बाकी लूजर्स को बचाने में मैंने अपना टाइम क्यों वेस्ट किया? क्योंकि मैं खुद तुम्हें सबक सिखाना चाहता हूँ। तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारा चमचा टेक्नोर ज्ञान नहीं है। Yeah! और मेरे पावर्स कंबाइन करने की सलाह के लिए थैंक्स। Come on, please, काम करो, बस एक बार। एक और एलियन को बुलाने की तकलीफ मत उठाओ, मैं तुम्हारे सारे पावर्स बहुत अच्छी तरह जान चुका हूँ। अच्छा, पर शायद तुम अब तक कैनन बोल्ट से नहीं मिले हो। हिलना मत मोटू मल। एक गेम खेले, इसका नाम है डॉज बॉल। टेक्नोर, मुझे लगा तुम चले गए। मैंने कहा ना, मेरी जिंदगी अब तुम्हारी है। अब हिसाब बराबर हुआ। तो तुमने मुझे चमचा कहा था। इंटरगैलेक्टिक हाइपर जंप लॉन्च हो रहा है। बेन, क्या तुम ठीक हो? हमने तुम्हें हर जगह तलाश किया, कहाँ थे तुम? लंबी कहानी है, तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ,
केविन का क्या हुआ? उसे खेलने के लिए नया साथी मिल गया।